एक बार एक राजा उनके कुछ सिपाहियों के मदद से उनके राज्य में एक रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख के पास में एक झाड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं, ये देखने के लिए कि उस रास्ते से जो भी जाते हैं वो लोग इस पत्थर को देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे उस रास्ते से लोग आने लगे। उस राज्य में जो अमीर लोग थे उनमें से ज्यादातर लोग उस पत्थर की तरफ बस एक बार देखा और फिर चुपचाप उस पत्थर के साइड से वो लोग निकल गए। कुछ लोग सड़कों के इस हालात के लिए राजा को दोष देते देते वहां से चले गए। इस तरह से 99 लोग पत्थर के साइड से निकल जाने के बाद एक गरीब किसान अपने सर पे सब्जियों की टोकरी लेके उस रास्ते पे आके पहुंचा। रास्ते के बीच में उस पत्थर को पड़ा हुआ रहते देखकर उस किसान ने अपने सर पे से उस टोकरी को नीचे रखकर बहुत ही मुश्किल से अकेले ही जोर लगा के उस पत्थर को रास्ते के एक साइड पे हटा दिया। पत्थर हटाने के बाद जब वो किसान पीछे मुड़ के अपनी टोकरी वापस उठाने गया तब उसने देखा कि जहाँ पे वो पत्थर पड़ा हुआ था वहाँ पे अब सोने से भरा हुआ एक थैली पड़ा हुआ है और उसके साथ एक चिट्ठी भी है जहाँ पे लिखा हुआ है, इस पत्थर को जो हटाएगा उसके लिए राजा की तरफ से ये तोहफा, जिससे वो किसान उसकी गांव में सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। तो ध्यान से नोटिस कीजिए, उस गरीब किसान ने ऐसा क्या किया था जिससे वो इतना अमीर बन पाया? उस गरीब किसान ने वही किया था जो 99 लोगों ने नहीं किया था। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप भी वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो तो आपको भी उन कामों को करना होगा जो 99% लोग नहीं करते। टॉप 1% लोग कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जो 99% लोग ही नहीं करते, वही आज इस वीडियो में दो भाई रमेश और सुरेश का एग्जाम्पल देके आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रमेश और सुरेश दोनों को ही एक साथ एक ही कंपनी में 10,000 सैलरी का एक नौकरी मिला। रमेश और सुरेश दोनों को ही ये चीज़ मालूम था कि एसेट मतलब ऐसा कुछ जो पॉकेट में पैसा ले आता है और लाइबिलिटीज मतलब ऐसा कुछ जो पॉकेट से पैसा बाहर ले जाता है। लेकिन फिर भी पहले महीने की सैलरी मिलने के बाद रमेश ने क्या किया, उसका अपने पहले के सेविंग्स में से उसने 5,000 रुपये निकाला और उसके साथ सैलरी से मिला हुआ 10,000 रुपये जोड़ के कुल मिला के 15,000 रुपये से उसने एक महंगा स्मार्टफोन खरीद लिया, जो फ़ोन अगले 1 या 2 साल में ही खराब होने वाला है। मतलब ये फ़ोन अगले 2 साल में रमेश के जेब से 15,000 रुपये बाहर कर देगा। तो पैसा कमाना शुरू करने के साथ साथ रमेश ने अपना लाइबिलिटीज़ भी बढ़ाना शुरू कर दिया, जिस वजह से धीरे धीरे रमेश 99% लोगों की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ सुरेश ने भी पहले महीने की सैलरी मिलने के बाद एक फ़ोन खरीदा, क्योंकि सुरेश को भी एक फ़ोन ज़रूरत था, लेकिन 15,000 रुपये का नहीं, सुरेश ने बस अपना काम चलाने के लिए 5,000 रुपये दे के एक फ़ोन खरीदा, जिसमें सुरेश को जो जो फीचर्स चाहिए था वो सब कुछ मौजूद था। और बाकी के 5,000 रुपये सुरेश ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जहाँ से सुरेश का ये 5,000 रुपये 2 साल बाद 15,000 रुपये में कन्वर्ट हो गया। मतलब पैसा कमाना शुरू करने के साथ साथ सुरेश अपना एसेट बढ़ाने की तरफ ध्यान देने लगा, जिससे धीरे धीरे सुरेश टॉप 1% लोगों की तरफ बढ़ने लगा। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, बिल्ड एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। रमेश और सुरेश दोनों को ही ये पता था कि इन्वेस्ट करना मतलब एक टाइम के बाद मुझे वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा और स्पेंड करना मतलब एक टाइम के बाद मुझे वहाँ से कुछ नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। लेकिन फिर भी रमेश दिन में रोज 5-6 घंटे अपने उस नए फोन के पीछे बिना मतलब के जस्ट मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट के लिए स्पेंड करना शुरू कर दिया। रमेश बहुत अच्छे से जानता था कि फ्यूचर में इसे रिटर्न में क्या मिलेगा, कमर दर्द, गर्दन में दर्द, लेजीनेस, ब्रेन डल हो जाना। मतलब ये जानने के बाद भी कि टाइम स्पेंड करने से उसका रिटर्न नेगेटिव में आता है, फिर भी रमेश वही काम कंटिन्यू करता रहा। एज अ रिजल्ट धीरे धीरे रमेश 99% लोगों की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ सुरेश हर रोज दिन में 5-6 घंटे अपना एक बिजनेस के पीछे और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में लोगों के साथ बात करने की स्किल को अपने अंदर डेवलप करने के पीछे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुरेश जानता था कि टाइम इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में उसका रिटर्न क्या मिलता है। धीरे धीरे सुरेश कस्टमर्स के साथ डील करने की स्किल में एक्सपर्ट बनने लगा। एज अ रिजल्ट उसका अपना पर टाइम बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के साथ साथ सुरेश जिस कंपनी में नौकरी करता था वहाँ पे भी उसको प्रमोशन मिलने लगा। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, इन्वेस्ट टाइम डोंट स्पेंड इट। रमेश और सुरेश दोनों को ही ये पता था कि हैप्पीनेस के ऊपर किया हुआ लॉन्गेस्ट एक स्टडी से ये पता चला है कि एक इंसान का लाइफ में खुश रहना सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है उनके लाइफ में रिलेशनशिप्स के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि जब भी रमेश किसी के साथ थोड़ा क्लोज होता था उस इंसान के साथ रमेश का रिलेशनशिप बिगड़ने लगता था। ऐसा क्यों? क्योंकि रमेश हमेशा सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करता था कि सामने वाला उसे खुश करेगा। मतलब रमेश का हमेशा माइंडसेट रहता था सामने वाले से खुशी एक्सट्रैक्ट करने का,
जहाँ पे सुरेश बिल्कुल इसका उल्टा करता था। सुरेश का हमेशा माइंडसेट रहता था सामने वाले को खुश करने की, मतलब सुरेश सामने वाले से खुशी एक्सट्रैक्ट करने के बदले अपने खुशी को सामने वाले के साथ शेयर करने का सोचता था। सुरेश हैप्पीनेस शेयर करने में बिलीव करता था, सामने वाले से हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट करने में नहीं। जिस वजह से सुरेश जब भी किसी के साथ क्लोज होता था तब उनके साथ सुरेश का रिलेशन दिन ब दिन और भी ज़्यादा गहरा और बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनने लगता था। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, शेयर हैप्पीनेस, डोंट एक्सट्रैक्ट इट। इस तरह से 15 साल गुजरने के बाद रमेश का हालत कुछ ऐसा बना। 15 साल पहले रमेश ने जब नौकरी में ज्वाइन किया था तब उसका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल जैसा था, आज 15 साल नौकरी करने के बाद भी बिल्कुल एक जैसा ही है। साथ में डिफरेंट हेल्थ इश्यूज की वजह से रमेश को अब महीने में 1000 रुपये बस दवाई के पीछे खर्च करना पड़ता है। उसके ऊपर किसी के साथ भी रिलेशन अच्छा ना रहने की वजह से अब रमेश को अपने आप को इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला महसूस होता है। दूसरी तरफ 15 साल बाद सुरेश का हालात कुछ ऐसा बना। 15 साल से रेगुलर अपने बिजनेस के पीछे टाइम इन्वेस्ट करने से सुरेश अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका है। 15 साल पहले जब उसने अपना करियर शुरू किया था तब उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन था अब उससे 100 गुना अच्छी जगह पे वो पहुंच चुका है और उसका सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी उसको बहुत ही प्यार करते हैं। तो अगर आप भी सुरेश की तरह वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों में आना चाहते हो तो आपको भी ये 3 स्मार्ट आइडियाज जरूर फॉलो करना होगा। नंबर 1, बिल्ड एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। नंबर 2, इन्वेस्ट टाइम डोंट स्पेंड इट। एंड नंबर 3, शेयर हैप्पीनेस डोंट एक्सट्रैक्ट इट। और अगर आप रमेश की तरह 99% लोगों के ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास में ही उसका हज़ारों एग्जाम्पल देख सकते हो। क्योंकि हमेशा याद रखिए, यू हैव टू बी ऑड टू बी द नंबर 1। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ पाए। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। More wisdom, more solution, better life.